जशपुर जिले में हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को हाथी के दो हमलों में एक 66 वर्षीय बुजुर्ग आदमी और एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिससे पिछले एक महीने में इस तरह के हमले में मरने वालों की संख्या 5 हो गई। कुनकुरी के कंडोरा गांव में हुई घटना में मृतक का नाम त्रिलोचन यादव बताया जा रहा है। ये किसान अपने लीची बागान में लीची का रखवारी कर रहा था। सुबह लगभग 4 बजे दो हाथी का दलदल लीची बागान में आया और सो रहे किसान पर हमला बोल दिया, जिससे किसान की वहीं मौत हो गई। वहीं जामचुआ गांव के गिनाबहा में हुई घटना में महिला का नाम सनी आरो बाई बताई जा रही है। महिला घर के बाहर सो रही थी, तभी हाथी हमला बोल दिया, जिससे महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुनकुरी विधायक यूडी मिंज और जशपुर डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए लोगों से अपील की है कि हाथी को न छेड़े और वन विभाग का साथ दे। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि हाथियों के लिए जंगल में पर्याप्त मात्रा में खाने और पीने की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में रुक कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि कुनकुरी वन परिक्षेत्र में 5 हाथियों का दल है, जिनकी निगरानी के लिए आज से 6 दल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है हाथियों को ज्यादा परेशान ना करें। हाथी परेशान होकर इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे महाकुल यादव समाज के वरिष्ठ समाजसेवी, जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सम्मानित त्रिलोचन यादव जी का आज हाथी के द्वारा कुचल के मार डालने का घटना प्रकाश में आया है। साथ में एक जामचुआ में भी मृत महिला मिली है, जिनको भी हाथी ने कुचला है। अब बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में 5-6 दिन से हाथी का विचरण होता आ रहा है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा खानापूर्ति ही किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग के लोग हमेशा मैं सुनता हूँ कि कभी पुलिस सहायता मांग रहे हैं लोगों को भगाने के लिए। अरे हाथी को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से करना चाहिए कि हाथी कैसे लोगों के गांव घर में नहीं। और आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल नेशनल हाईवे से लगा हुआ रिहायशी एरिया में जब हाथी प्रवेश करने लगी है तो आप लोग के पास क्या छुपी है? फॉरेस्ट विभाग की नाकामी स्पष्ट तौर से दिख रही है। जितने चारागाह की बात होता है कि हाथी रिजर्व बनाने का बात होता है, घास लगाने की बात होती है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिखता है। रिहायशी एरिया में हाथियाँ आने लगी है। मैं तो कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं पर ही ये फॉरेस्ट विभाग की बिल्कुल नाकामी है। 2-3 साल से ये देखने को मिल रहा है कि हाथी की संख्या बढ़ती हुई जा रही है और हर गांव घर में लोगों को दहशत, दिनों दिन 8-10 दिन के अंदर में 3-4 मौत, और इसी क्षेत्र से होना ये दुर्भाग्य। कुनकुरी रेंज में हाथी लगभग 45 हाथी का दल है, 5 टुकड़ों में टूट चुका है और 5 के पीछे निगरानी के लिए 3 टीम बनाई गई है। ये विगत एक हफ्ते से यहाँ पे 5 टीम में टूटी हुई है हाथी। कल अभी सुबह सुबह 4-5 बजे खबर लगी है कि दो लोगों की हाथी से मुठभेड़ होने के कारण की घटना हुई है करके, कैजुअलिटी हुई है करके। एक आदमी जो है अपने त्रिलोचन यादव जी कंडोरा के रहने वाले हैं, उनकी पुष्टि हुई है अभी हाथी से उनका रात में मुठभेड़ हुआ था। सुबह सुबह की 3-4 बजे की घटना थी बता रहे हैं, समझ के लिए बाहर गए थे करके। दूसरे जो है अपने शांति सानियरो भाई करके जो विधा बाहर के हैं, इनका अभी पीएम होने के बाद अभी स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी से हुआ है या फिर किसी और कारण से हुआ करके। तो उनका हम अभी इस हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं पीएम रिपोर्ट का। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील करेंगे कि लोगों को लगातार हर घर में समझाइश दी जा रही है कि बाहर ना सोएं और समझ के लिए बाहर ना जाएं और जंगल जाना बंद कर दें अभी फिलहाल, जब तक के 45 का दल है और वो भी 6 टुकड़ों में बटा हुआ है 3-3, 4-4 के। तो बिल्कुल इसमें हाई अलर्ट में रखा गया, लेकिन फिर भी लोग बाहर चले जा रहे हैं, सोच में चल दे रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि बिल्कुल अभी घर से बाहर ना जाएं और एकांत के घर वाले जो है वो गांव के स्कूल में या किसी अन्य सामुदायिक भवन में जो वन विभाग हम शिफ्ट कर रहे हैं उसमें रात में शिफ्ट हों, यही मेरा अपील है। ये सनियारो भाई की जो मौत बताई जा रही है जी, क्या वहाँ हाथी हमला किया था? क्या जानकारी मिली है? वहाँ गाँव में हाथी है, इसकी पुष्टि हम लोग करते हैं, परंतु इसके हाथी से मृत्यु हुई है या क्या हुई है अभी पीएम के बाद पता चल जाएगा। हमारे यहाँ भी एक सुबह बहुत दुखद घटना हो गई है। ये 5:30 बजे सुबह की बात है। हमारे त्रिलोचन यादव जी जो हम सब लोग तिले चचा बोलते थे, मेरे लिए तो बहुत प्रेरणा मुझे देते रहते थे, उनको उनके बाड़ी में अंदर घुस करके हाथी ने मतलब मारा है उनको।
और ये बहुत दुखद घटना है कि अब हाथी घर के अंदर तक पहुंच रहा है। दूसरी घटना रात में जमछुआ पंचायत में हुआ है, कोई सन्यारो बाई करके एक महिला है उसके साथ दो तीन दल इधर जगह जगह घूम भी रहे हैं और लगातार चेतावनी भी दी जा रही है, लगातार फॉरेस्ट की गाड़ियाँ भी सर्चिंग में हैं, राउंडअप में पेट्रोलिंग कर रही है। और परसों ही डीएफओ यहाँ बैठ कर सबको एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे। और तो मैं तो लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए, कम से कम लोग हाथी को छेड़छाड़ ना करें, उसको मारने की कोशिश ना करें, जिसके वजह से वो इरीटेट होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होनी जिसकी वजह से लगातार इस टाइप की घटनाएँ बढ़ते जा रही हैं। अब इस सतर्क रहने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ये कंडोरा वाला मामला तो और भी दुखद इसलिए कि एकदम हाईवे से लगा हुआ आबादी है और बाड़ी के अंदर घुस करके जब वो अपने सोमनाथ क्रम से फायरिंग होकर के निकल रहे थे, उसके बाद हाथ वाथ धोकर उसी बीच में घटना घटित हुई। घर के लोगों को लगा कि वो घर में सो रहे थे, जल्दी उठते नहीं हैं, और ये तो वाकई बहुत दुखद घटना है हम लोगों के। मुझे तो व्यक्तिगत क्षति है इसकी बहुत ज़्यादा, बाकी क्षेत्र में और समाज को तो है ही है उनके समाज को। हम लोगों को सबको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है अभी, और मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा कि जंगल जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसकी वजह से पानी की कमी होती जा रही है। हाथी को भी खाने के लिए भी चाहिए, जंगल में आश्रय भी चाहिए और पानी बहुत आयत से उसको चाहिए, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी गर्मी का समय ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ होती है। एक ही जो लगातार अभी चर्चा में बातें आ रही हैं ये सारी चीज़ें हैं, और फॉरेस्ट विभाग लगातार अपनी सचेत हैं और लगातार उनका दौरा पेट्रोलिंग तो कर ही रहे हैं वो। बस मेरा तो पुनः अपील है सबसे कि लोग सतर्क रहें, हाथी को छेड़खानी ना करने की कोशिश करें, ना मारने की कोशिश, जैसे भी कुछ लोग अभी बता रहे थे। मैं सवेरे बहुत जल्दी उठ गया और वो गेट के सामने उधर जो गेट है ना वो गेट के पास हम गए, और उतने ही में उधर से उस वो क्या बोलते हैं कदम टोली बोलते हैं उधर जो बस्ती है उधर से आया हाथी उस बाड़ी में, हमारे घर से पीछे वाला बाड़ी में, और टीना का दरवाज़ा है सीधा खोल दिया वो दूसरे बाड़ी का, और सीधा हम लोग का बाड़ी में आया, एक गेट खोल दिया है। गेट खोलने के बाद में हम मेरे पिताजी शौचालय बहुत जल्दी निकलते हैं ना, तो देखे शौचालय तरफ इधर कोई दिखवे नहीं किया, पिताजी शौचालय शौचालय के अंदर में थे, तो उतने में हम चले गए पूरा मतलब परिवार को समेटने के लिए, हैं बेटा को उठाए, वाइफ को उठाए, और मेरे सास भी आई है उड़ीसा से, हैं वो भी इतना तक आई थी, वो भी हाथी हाथी बोले तो वो भी उधर दौड़ के चलेगी, हैं और उनको समेट के हम रोड में ले गए घर से बाहर। और हमको पता नहीं चला कि पिताजी मतलब अंदर में, तो बाद में फिर सबको देखे परिवार का, पिताजी को नहीं देखे, तो फिर हम आए हम लोग दोनों भाई, हाथी निकल गया था, और उसके बाद में देखे कि नहीं पिताजी को मार के इधर फेंक दिया था हाथी। कबाड़ी से हाथी दो निकले, दोनों निकलने के बाद ये निकलने के बाद सीधा आए और वहाँ पर एक ठो बिस्केशन का कटहल झाड़ है, वो कटहल झाड़ को देखे, कटहल झाड़ में घूम के कटहल झाड़ के पास चढ़ गए, तो उधर से मैं चिल्लाया ए बाबू हाथी है रे बाहर में, कोई हो तो भग जाओ घर में घुस जाओ, हाथी घुस तुम लोग का बाड़ी में घुस रहा है बोला, तो उन लोग भग गए। फिर घूम के ऐसे आया और हाथी ऐसे खेत में आया, घेरा तोड़ते हुए खेत में दौड़ते हुए आया, उसके बाद में ये देवराज गुरु जी के बाड़ी में घुस गया, उसके बाड़ी में वहाँ से घुसते हुए आ गया ये यहाँ, ये देखिए इधर दरवाजा में देवराज का गेट पे, गेट को तोड़ते हुए आया और पहुंच गया इसी गेट पे, वहां तक से हम दौड़ के आ गए यहाँ पर के बाबू विजय घर में घुस जाओ, कोई बाहर में हो तो हाथी आ गया घुस जाओ। मैं चिल्ला रहा हूँ उतना तक उसका लड़का, बड़ा लड़का जो हाथी मारा उसका बड़ा लड़का, वो दौड़ के उन लोग भी घर में घुस गए, उसका सास घुस गई, उसके बाद में ये बाथरूम आया था, बाथरूम से निकल के जा रहा था उसी समय में इसको हाथी पकड़ लिया, पकड़ने के बाद पटकने बाद तो घिसटते हुए फेंक दिया, और हम लोग देख रहे हैं कि बाड़ी में हाथी अंदर में होगा कह के, तो अंदर में नहीं है, उतना तक तो हाथी निकल गया इधर वो दे भग रहा है बोले, तो हम लोग बोले चलो उसको भगाते हैं यार नहीं तो खतरा करेगा, तो हम लोग इधर से गए उधर से आदमी लगे पीछे से हल्ला करते गए तो हाथी उधर भगते गया। एक जन का मौत हुआ है सर। ये कितने बजे की घटना है? ये करीब 5 बजे का घटना, आज सुबह। हाँ सुबह 5 बजे, मतलब उजेला हो चुका था।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजराज यादव, ग्राम कंडोरा। दीपक वर्मा की रिपोर्ट।